नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। एसपी राकेश सिंह ने पुलिस लाइन में स्थित मंदिर प्रांगण पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया, जिस पर जितने भी पौधे लगाए गए सब औषधि युक्त पौधे थे। एसपी सर द्वारा आरोग्य भारतीय पुलिस मित्र से प्रमोद पांडे और अन्य आए अधिकारियों से कहा है, नमक गृह में जितने पौधे आते हैं वो सब आप यहां लगवाएं, जिससे पुलिस कर्मचारी उसका उपयोग कर लाभ ले सकें। कोरोना काल में लोगों का रुझान आयुर्वेदिक पेड़ और पौधों की तरफ बढ़ा है। तो हम वनौषधि पौधों के बारे में हमने जो पढ़ा है, जो जाना है और जो ज्ञान हमें अपने पूर्वजों से मिला, हमारे दादा नाना काका जो भी हमें ज्ञान देते हैं, उनमें पारिजात के पौधे के बारे में बताया है। जैसे आपने बोला कि जो है सूर्य का पौधा अकौवा होता है, आंकड़ा बोलते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ, उसके दो प्रयोग मैं जानता हूँ। पहला प्रयोग, अगर किसी को मस्ता निकल आया है, अगर उसके दूध को मस्से के जड़ में लगा दिए, तीसरे दिन लगाने के बाद चौथे दिन देखना नहीं पड़ेगा, मस्सा अपने आप गायब हो जाता है। दूसरा फायदा यह देखा कि अगर आपको घुटने में दर्द हो रहा है, कहीं भी टखने में दर्द हो रहा है, उसकी पत्ती को तवे पे गर्म करिए, हल्का सरसों का तेल लगाइए, संबंधित स्थान पे पट्टे में लपेट के रख दीजिए, एक घंटे बाद खोल दीजिए, आपके दर्द गायब हो जाता है। तो ये सब पौधों का अपना एक महत्व है। और ये चीज़ें जो है, जैसे आंकड़े के पौधे का मैंने लाभ जाना अपने ग्रैंडफादर से। हमारे ग्रैंडफादर अक्सर, उनको घुटने में पेन रहता था बरसात जाड़े के टाइम में, तो अक्सर वो बांधा करते थे। तो उससे मुझे पता चला कि आंकड़े के पौधे का क्या महत्व है, और इसका कभी कभी मैं भी उपयोग करता हूँ। तो हर आदमी को जानना चाहिए कि हर औषधि पौधे का क्या उपयोग है। इसी तरह पारिजात के पौधे की तो बहुत महिमा है, धर्म में बहुत महिमा है। उसके अलावा इसका औषधि महिमा है कि इसके फूल जो है डायबिटीज में काम आता है, पत्तियाँ टखने के दर्द में काम आती हैं। इसी तरह गिलोय के लिए, तो गिलोय का तो एक डंडी भी कहीं गाड़ दीजिए, गिलोय निकल आती है। तो गिलोय को तो मेरा तो ये कहना है कि जिसके घर के आसपास नीम का पौधा हो, उसके जड़ में गिलोय लगा दो, नीम का गिलोय, आपको नीम का भी फायदा मिलेगा, गिलोय का भी फायदा मिलेगा, हमेशा स्वस्थ रहेंगे। ये सब सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसका हम प्रयोग करें। बबूल का, इसका भी अपना उपयोग है। आप पढ़ें तो आपको हर चीज़ का उपयोग मिलेगा, और उसका उपयोग आपके स्वास्थ्य के लिए है। भगवान ने जो भी चीज़ धरती पर दिया है, निरुद्देश्य किसी भी वनस्पति को निरुद्देश्य नहीं भेजा। हर वनस्पति का अपना उपयोग है और उसका लाभ लेना चाहिए।